सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, हमें तो यही चिंता होता है यूट्यूब चैनल बनाकर कि हमें 1000 सब्सक्राइबर किसी भी हाल में पूरा करना है, और इसके लिए हम न जाने क्या क्या कदम उठा लेते हैं। जैसे कि अपना दोस्त का मोबाइल लेते हैं, उसका मोबाइल में सब्सक्राइब करते हैं, अपने वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देते हैं, न जाने कितने ग्रुप में अपना वीडियो को शेयर करने के बाद हम चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हमारा किसी भी हाल में पूरा हो जाए। बट मैं आप लोग आज 5 ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अगर ये 5 पॉइंट को आपने फॉलो कर लेना भाई, तो आपका 1000 सब्सक्राइबर बहुत आसान तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। बट आपको करना क्या होगा, जो मैं आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ, 5 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस 5 पॉइंट को आपको अच्छे से और ध्यान से समझना है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस्टेक कर दी तो आपका जो है कि सब्सक्राइबर आप कम्प्लीट नहीं कर सकते। ये जो बिगिनर क्रिएटर के लिए ये जो 5 पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नया क्रिएटर है, आप नया चैनल बनाया है, आप चाहते 1000 सब्सक्राइबर हमारा पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा अच्छे से और ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं 97 वसीम येरा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप चाहे तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और एक बात, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए YouTube रिलेटेड कुछ इस तरह का जेन्युइन कंटेंट लाते रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव। आपको जो है कि अपना वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करना है। कैसे? जैसे कि आपका वीडियो क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले कोई भी किसी भी तरह का वीडियो बनाते थे, कहीं भी वीडियो बनाते थे, क्या होता था, आपका वीडियो चल जाता था, आपका लाइट हो या फिर ना हो, आप घर में बैठे किसी भी कोने में वीडियो बनाकर भी आपका वीडियो चल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ गया है, अब जो है कि यूट्यूब में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है। आप अगर लो क्वालिटी का वीडियो बनाते हैं तो आपका वीडियो में उतना जो है कि व्यूज नहीं आता, आपका वीडियो को देखता नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, आपका जो है कि वीडियो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। इसके लिए आप चाहे अपना घर में बनाते हैं ना, जैसे कि मैं अपना क्या करता हूँ, अपने यहाँ पर पीछे में देख सकते हैं मेरा एक ग्रीन स्क्रीन है, और इसको मैं हटाकर एक बैकग्राउंड लगाता हूँ, जैसे कि सिंपल सा बैकग्राउंड। बट जो कि मेरा जो कि पीछे बैकग्राउंड ठीक ठाक होता है, मेरा क्वालिटी भी ठीक ठाक होता है। लेकिन आपके पास अगर कुछ इस तरह का लाइट नहीं है तो आपको करना क्या होगा, आपको छत पे जाना होगा। अगर आपके घर में छत नहीं है, आपका गांव में खेत है, गांव खेत में जाइए। बट आपको जो कि नेचुरल लाइट में बनाइए, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन आपका वीडियो जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, दिखने में अच्छा लगे। आपका मोबाइल है ना, मोबाइल से ही बनाइए, ना ही आपको कैमरा का जरूरत होती है, ना ही आपको कोई माइक की जरूरत है। ये जो वीडियो अभी बना रहा हो ना, ये भी बोया बिना माइक का, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे विदाउट माइक का, मेरे पास ये जो है कि माइक नहीं है, बिना माइक का ये वीडियो बना रहा हूँ। आप भी बना सकते हैं, इसके लिए एक ऐप्स का यूज करता हूँ मैं, डॉल्बी ऑन, आप भी उसको यूज करके जो है कि वीडियो क्वालिटी बना सकते हैं अच्छा खासा। बिना माइक का आपका क्वालिटी अच्छा होगा, जैसे कि आप आवाज सुन रहे बिना माइक का। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपना वीडियो को बनाएंगे। अपना घर में अगर जगह नहीं है, लाइटिंग वगैरह कम है, तो आप जाइए खेतों में, छत में, ऐसे बहुत सारा जगह है, आप वहां पर जाके अपना वीडियो को क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। उसके बाद अपना वीडियो को अच्छे से एडिटिंग करिए। आपका एडिटिंग अगर अच्छा नहीं होता है, एडिटिंग अगर परफेक्टली नहीं होता है, तो आपका वीडियो नहीं देखता है। अगर एक ही टाइप का वीडियो बोलते जाएंगे ना, तो भाई आपका वीडियो में ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। तो आपको करना है क्या होगा, आपका वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको अच्छा जगह में आपको अपना वीडियो को शूट करना है। उसके बाद आपको जो कि एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम देना है। आधा घंटे आपने एडिटिंग कम्प्लीट कर लेते थे ना, अब आपको जो कि 2 घंटा देना है, 4 घंटा देना है, 5 घंटा देना है, लेकिन आपका एडिटिंग परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इस समय देखेंगे कभी कभी बोलने बोलने पर क्या होता है, कोई एक वीडियो शो हो जाता है, कोई एक फोटो शो करा देता है कुछ इस तरीके से। तो आपको करना क्या होगा, जो कि आपका क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। पॉइंट नंबर 2, कीवर्ड रिसर्च। आपको जो है कि अपना कीवर्ड को रिसर्च करना है। आपका जो सब्सक्राइबर कब आएंगे, जब आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे, व्यूज ना आने पर आपका सब्सक्राइबर नहीं आता है, तो आपको करना क्या होगा, आपको व्यूज लाना है। उसके लिए आपको कीवर्ड देना होगा, ऐसा कीवर्ड जो कीवर्ड लोग सर्च करें, और सर्च कर देने के बाद आपका वीडियो उसके सामने आ जाए। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का आई बटन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, अच्छा अच्छा कीवर्ड ढूंढना है, कहाँ कहाँ से कीवर्ड ढूंढना है मैं आप लोगों को बता के रखा है उस वीडियो में, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके पास अगर कीवर्ड आपने रिसर्च करते हैं और उस वीडियो पर लगाते हैं, लगाने के बाद क्या होता है, कीवर्ड की रिसर्च करेगा और उसके बाद उसके सामने वीडियो आएगा तो प्ले करेगा। वीडियो प्ले करने के बाद क्या होता है, आपका व्यूज आएगा, व्यूज के साथ साथ आपका सब्सक्राइबर भी गेन हो जाता है। तो आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करना है अपना वीडियो के लिए और अपने वीडियो पे अप्लाई करना है। 3 नंबर पॉइंट, गोल या फिर टारगेट। आपको एक टारगेट बनाना है या फिर आपको एक गोल बनाना है कि हमें जो है कि 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हमें चैनल को मोनेटाइज करना है तो करना है। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे। देखिए भाई, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, तो आपको तो एक टारगेट बनाना होता है ना कि हम दिल्ली जाएंगे या फिर मुंबई जाएंगे, तभी ना आप जा पाते हैं। आप सोचते हैं क्या घर से निकल जाएंगे, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई, आप बहुत लेट हो जाएंगे इस तरह से।
लेकिन आप अगर एक टारगेट बना लेते हैं हम दिल्ली जाएंगे या फिर मुंबई जाएंगे, उसके लिए आप टिकट भी बाई करेंगे, टिकट भी खरीद लेंगे, तो क्या होगा आपका जो है कि दिल्ली मुंबई बहुत जल्द ही आप पहुंच जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक गोल बनाना होगा, टारगेट बनाना होगा, नहीं हम इसी टाइम के अंदर दिल्ली जाएंगे, इसी टाइम के अंदर हमें सब्सक्राइबर पूरा करना है, तो आपका जो है कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आपको टारगेट बनाना है 2 महीना 3 महीना, जितना भी आप टाइम लेना चाहते हैं आप खुद से लीजिए, उसके बाद जो है कि आप एक गोल बनाकर यूट्यूब में काम करिए, देखिएगा आपका सब्सक्राइबर बहुत जल्द आपका पूरा हो जाएगा। 4 नंबर पॉइंट, एडवर्ड यूज। आपको करना क्या होगा, गूगल एडवर्ड का यूज करना है। आप जाकर चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए 10 दिन में 15 दिन में, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों का ऐसे बहुत सारा तरीका बताया जो कि आपको लॉन्ग टाइम का, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट जो है आपका रियल बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपका रियल बनता है, बट क्या होता है, आप अगर 15 दिन से यूट्यूब स्टार्ट करेंगे और 2 महीने वाला चैनल अगर 2 साल वाला चैनल के साथ आप कंपेयर करेंगे, तो क्या आपका वीडियो के साथ मैच करेगा उसका वीडियो? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 15 दिनों का है लेकिन उसका एक्सपीरियंस है 2 साल का। तो आपको थोड़ा सा टाइम देके लेना है। आप अगर चाहते हैं फर्स्ट लेना, तो आप गूगल एडवर्ड्स का यूज करके आप जो है कि 10 दिन का 15 दिन का एक कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन बनाने के बाद आप जो है कि सब्सक्राइबर को गेन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो सब्सक्राइबर है ना, ये सब्सक्राइबर जो है कि आपका रहेगा, बट जो है कि आपका बाद में क्या होगा, धीरे धीरे कमता जाएगा। मतलब ये सब्सक्राइबर रहेगा लेकिन आपका व्यूज डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो है कि आपका बोलने का तरीका अगर ठीक नहीं होता है, आपका वीडियो में क्वालिटी ठीक ठाक नहीं होता है, तो क्या होगा, आपका सब्सक्राइबर आपका वीडियो देखना पसंद बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। कब, जब 2-3 महीना हो जाता है आपका चैनल का, 4 महीना हो जाता है, 5 महीना हो जाता है, उसके बाद अगर यूज करें तो ही बेटर है अपना सब्सक्राइबर को या फिर वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए। 5 नंबर पॉइंट, टाइटल टारगेट। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखे, चाहे तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आपको जो है कि आपको एक टाइटल को टारगेट बनाना है, जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कुकिंग रिलेटेड हो, गेमिंग रिलेटेड हो, जो भी आपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, एक टाइटल को आपको टारगेट बनाना है। जैसे कि आप बना रहे हैं हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, तो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल ही मान लेते हैं। अगर हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल सर्च करता है लोग जो कि बहुत ज्यादा, तो आप करने का उसी कीवर्ड को लेना है। और आपको घर में जितना मोबाइल होता है, 4 हो 5 हो, घर में ऐसे बहुत सारा आज मोबाइल हो गया है, 2 भाई का 3 भाई अगर होता है तो 3 भाई के पास ही मोबाइल है, तो ऐसे में घर में 4-5 वो मोबाइल हो जाता है। जब अपना वीडियो को अपलोड करेंगे उस टाइम आपको करना क्या होगा, जो टाइटल मैं आप लोगों को बताया, एक टाइटल को आपको टारगेट बनाना है जो कि सबसे ज्यादा सर्च होता है, उस टाइटल को टारगेट बनाएंगे और सबके मोबाइल में एक साथ जो है कि उस वीडियो को प्ले करेंगे और उसको फुल वॉच करेंगे। फुल वॉच, 4 मिनट का वीडियो हो तो फुल वॉच, 5 मिनट का फुल वॉच, 10 मिनट का फुल वॉच, और फुल वॉच कर लेते हैं ना, तो आपका वीडियो जो कि रैंक करना स्टार्ट हो जाता है, और रैंक करेगा मतलब आपका वीडियो पर व्यूज आएगा, व्यूज आएगा मतलब आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये जो 5 पॉइंट बताया, आपने अगर ये 5 पॉइंट को अच्छे से और ध्यान से अपना चैनल पर अप्लाई कर देना भाई, तो आपका 1000 सब्सक्राइबर 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो ही जाएगा, बट आपको इसके ऊपर आपको मेहनत करना है। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आए या फिर ये अच्छे लगेंगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और इस चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब रिलेटेड कुछ इस तरह का जेन्युइन कंटेंट लाते रहता हूँ। तो फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।